पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट इस बार काफी अहम रहने वाली है क्योंकि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से अब इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं, लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो कल जब टिकट का ऐलान हुआ था तो पवन सिंह की ये तस्वीरें सामने आई थी कि 195 उम्मीदवारों में, और नीरज हमारे सहयोगी मासा जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल पा रही है, पवन सिंह ने क्यों इनकार किया? देखिए, पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर यानी एक्स पर यह जानकारी दी है कि वो किसी कारणवश चुनाव मैदान में अब नहीं होंगे, यानी इनकार कर दिया। और इसकी जानकारी जरूर आंतरिक तौर पर भी पार्टी नेतृत्व या पार्टी स्तर पर दे दी गई होगी उनकी तरफ से, लेकिन कल जब टिकटों की घोषणा हुई थी उसके बाद पवन सिंह की तरफ से जो सोशल मीडिया पे कुछ ट्वीट किए थे उसमें अपनी उम्मीदवारी का अभिनंदन किया गया था और पार्टी से जुड़े तमाम चेहरों का को रखते हुए सोशल मीडिया पे और अभिनंदन किया गया था पार्टी के फैसले का। लेकिन क्या कुछ हुआ है, किस कारण उन्होंने इनकार किया है, कारण स्पेसिफिक उन्होंने नहीं जिक्र किया, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि वो आसनसोल से चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन पार्टी को उम्मीदवार बनाने के लिए जरूर धन्यवाद दिया। लेकिन नीरज, जिस तरीके से कल जो उम्मीदवारी की घोषणा की गई थी उसके बाद उनका वीडियो भी सामने आया था, काफी उत्साहित वो नजर आ रहे थे, लेकिन इस बीच अब ये बड़ी खबर आपको बता दें, पवन सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन अब पवन सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पवन सिंह ने ट्वीट कर बाकायदा ये जानकारी दी है, बीजेपी की तरफ से जो पहली लिस्ट कल जारी की गई थी उसमें आसनसोल से पवन सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया था।